मंडी सदर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने लंबित पड़े विकास को लेकर चर्चा की। तो वहीं कोटली तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर थोना कून का तन में विद्युत परियोजना का जल्द से जल्द निर्माण करने की गुहार लगाई। कोटली अपने गृह क्षेत्र में सदर हल्के की पंचायती राज संगठन की मीटिंग आयोजित की, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश कोऑर्डिनेटर दीपक राठौर जी यहाँ पर पधारे और इनका भी मैं स्वागत और तह दिल में धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी शॉर्ट पीरियड में हमारा ये प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि पंचायती राज इलेक्शन सिर पे है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पंचायती राज की मीटिंग कर लें। और दूसरा, जितने भी आज यहाँ पे हमारे पदाधिकारी और दीपक भाई के साथ जितना भी लोग आए हुए हैं, उनका भी मैं तह दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो जिला का हमारा अध्यक्ष है संतोष जी, इनका भी हम यहाँ कोटली में स्वागत करते हैं। और विशेष रूप पे आज हम जो है थौना प्लान जो कून के तर पे बनना है, उसके लिए आज हमने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को तहसीलदार जी के माध्यम से देना है। इस प्रोजेक्ट का जल्दी से जल्दी शिलान्यास किया जाए, ताकि जो हमारे सदर हलके के काम रुके पड़े हुए हैं और हजारों बेरोजगारों को इससे रोजगार मिलेगा, और कोरोना महामारी के चलते हजारों युवाओं की जो नौकरियां गई है, उनको अगर हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो घर द्वार में जो है हमारे बेरोजगारों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और जो सदर हलके में विकास के कार्यों में ग्रहण लगा हुआ है, उनको हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इनको इनके लिए बजट का प्रावधान किया जाए और जो विकास के कार्य हमारे रुके हैं उनको गति दी जाए। वही बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के समन्वयक दीपक राठौर ने लोगों से आग्रह किया है कि पंचायती राज चुनाव में ऐसे लोग चुनकर आए जो कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आवाज बुलंद रखने की क्षमता रखते हों। दीपक राठौर ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी के इस संकट के दौरान गरीब लोगों के लिए रोजगार भी प्रदान करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि समसामयिक विषयों के ऊपर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अपने कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाती रहती है, और चूंकि अभी हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव होने भी निश्चित हैं और बहुत ही जल्दी उनकी घोषणा होने वाली है, इस विषय को लेकर भी हम लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं कि भी ऐसे नुमाइंदे पंचायतों में चुनकर आएँ जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की समझ रखते हों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आवाज़ को बुलंद रखने की क्षमता रखते हों। ऐसे लोगों का अधिक से अधिक पंचायतों में चुनकर आना अति आवश्यक है। जैसा कि आज हमारी बहन चंपा ठाकुर जी ने ये कार्यक्रम यहाँ कोटली में आयोजित किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको साधुवाद भी देता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना का संकट चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, और हिमाचल प्रदेश भी इसे अछूता नहीं है, बल्कि बहुत तेज़ी से कोरोना के जो केसेस हैं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि लगभग 30,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस हिमाचल में हो गए हैं, और जिसमें कि 6,700 के आसपास एक्टिव केसेस हैं और 455 मौतें भी हो गई है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता कि हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, जिसको हम बड़े अदब के साथ कहते थे ये बीजेपी के लोग के भाई डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार ने कम से कम 4 गुना केसेस हमारे पिछले दिनों में कोरोना के केसेस के बढ़ा दिए हैं अपनी लापरवाहियों के चलते, कोरोना के चलते। जहां हम एक तरफ हमारे बेरोजगार भाई जो हिमाचल प्रदेश से बाहर जॉब को लेकर गए थे, उनको वापस यहां आना पड़ा, और यहां आने पर उनको किसी भी तरह की सुविधा रोजगार को लेने के लिए नहीं मिल पाई, बल्कि जो कांग्रेस के समय में UPA 1 और UPA 2 में जो मनरेगा का जो कार्यक्रम था उसके तहत लोगों को एकोमोडेट किया गया है। तो ऐसे समय में जहां सरकार की बहुत ज़रूरत थी हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए 68 लाख लोगों के का साथ देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है
वो हमें विफल होती हुई नजर आ रही है और लोगों का जीवन जो है दुभर होता जा रहा है।